वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हैं? झकास, यूनिक होंगे, ओके, बेटर होंगे, बेस्ट होंगे। और आपसे अगर नहीं होंगे तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप ठीक ही रहें। और आपके लिए मैं बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ आज आपके लिए। ऑपरेशन ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट लाया हूँ, यानी यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होता है। व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ सेट? आज हम लोग सीखेंगे यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है? तो देखो, इससे सबसे पहले यूनियन का मीनिंग्स क्या होता है। तो दिस इज द यूनियन ऑफ सेट, और इसको कहते हैं सिंबल जो होता है इसका, इंटरसेक्शन होता है, ठीक है? यूनियन इंटरसेक्शन सीखने से पहले थोड़ा एलसीएम एचसीएफ के बारे में जान लो। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, थोड़ा बोले एक ऐसा तो बच्चों वाला ज्ञान दे रहा है। हाँ, तो क्योंकि बच्चे वाला ही कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। एचसीएफ अगर निकालना रहे तो हम 12 और 10 का अगर निकालें तो हम जानते हैं कि 2 × 2 × 2 × 3 × 6 × 12 होता है और 2 × 5 होगा। क्लियर है? HCF में जो मिलता है उसी को लिखा जाता है, इसका मतलब इसका HCF 2 होगा। और LCM में जो मिलता है उसे भी लिखा जाता है, जो नहीं मिलता है उससे भी लिखा जाता है। इसका 2 होगा, इसका 3 होगा और इसका 5 होगा। तो सॉरी, यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते इसको, हम इसको हम ऐसे लिखेंगे तो बेटर होगा। 5 × 15 × 30 और 2 × 60, इसका आंसर होगा 60। सही है? तो ये जो HCF है ना, वो है आपका इंटरसेक्शन। लौट गए, मजा आया? यस। और एलसीएम जो है वो है क्या? यूनियन। यही जो कॉन्सेप्ट है। तो कैसे निकालेंगे? अब बोले सर ये तो लॉजिक का पता है। यस, यही लॉजिक है आपका आज का क्लास का, ठीक है? तो हम एग्जांपल पर काम करेंगे, एग्जांपल पर काम करेंगे। 2 है 4 है 6 है और 8 है, ओके। और बी इज इक्वल टू है आपका 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है और 8 है। चलो, आपका मैंने 2 एग्जांपल ले लिया। अब बोलोगे सर 2 चीज निकालो, एक निकालो यूनियन और इंटरसेक्शन। देखो, हमारे क्लास में डेफिनेशंस वाले क्लास नहीं है, हम आपको डेफिनेशन बोर्ड पर नहीं दिखेंगे। आपको डेफिनेशन चाहिए तो आपको लिंक में जाओ, वहां हम आपको डेफिनेशन दे देंगे और पीडीएफ भी दे देंगे, ठीक है? तो उसके लिए टेंशन मत लेना। तो ए यूनियन अगर बी निकालनी है हमें, तो हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन मैच कर रहा है उसे भी लिखना है, जो नहीं मैच कर रहा है उसे भी लिखना है। तो आओ, तो देखो, तो एक तो है नहीं तो एक आएगा, ठीक है? 2 मैच कर रहे हैं तो 2 बार मत लिखो, एक ही बार उसको लिखो। 4 मैच कर रहे हैं तो 4 तो बाद में लिखाएगा, उससे पहले 3 लिखाएगा, 4। उसके बाद आपको 6, 5 भी है और उसके बाद आप 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 मैच कर रहा है, ओके। और ये आपको फिर 7, उसके बाद क्या होगा? 8। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैच करता है 2 बार, उसके लिए एक ही बार लिखा जाता है। मैंने बोला था ना कि एलसीएम है, ठीक है? यही एलसीएम है। अगर आपको एलसीएम आता तो यूनियन तो भनक से बना दीजिएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? मान लो 2 है 3 है और 4 है, ऐसा एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल आपका है जो कि आपका है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और 6, ऐसा कुछ आपका जो दिया हुआ है वो गिवन डेट बी बराबर, ठीक है? अब देख लो कि इन दोनों में मैच कौन कर रहा है। तो इन दोनों का अगर ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या आंसर आना चाहिए वो देख लेते हैं। तो एक तो होगा ही होगा, फिर आपको 2 भी होगा, फिर आपको 3 भी होगा, ठीक है? फिर आपको 4 भी होगा, क्योंकि 4 मैच कर रहा है। 5 और 6 भी होंगे यूनियन में, 5 और 6 भी होंगे यूनियन में। तो यूनियन आपको निकालने आ गया कि जो मिलेगा उसे लिखना, जो मिल रहा है उसके लिए एक लिखिए, जो नहीं मिला उसको उतार दीजिए। ये होता है आपका यूनियन। यूनियन सीख गए हैं तो इंटरसेक्शन पर हम लोग अब काम करेंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। अब इंटरसेक्शन में वो वही चीज को लिखी जाती है जो मैच करता है, जो मैच करता है। यानी कि ए बराबर मान लो कि आपका क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 एंड 6 है, और बी बराबर अगर मान लो कि आपका है 2 है 4 है 6 है, तो इसका जो आंसर होगा ना, जो मैच करेगा वही आंसर हो सकता है सिर्फ 4 और सिर्फ 6। तो इसके जो आंसर होंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 4 6 होंगे। ये जो कि है आपके बन गए। इसका मतलब अब हम मीनिंग्स निकालते हैं, यानी अर्थ निकालते हैं कि क्या होता है यूनियन एंड इंटरसेक्शंस का मीनिंग, ठीक है? आपने देख लिया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। जो इंटरसेक्शन में जो मिले उसी को, और यूनियन में बाकी सबको लिखा जाता है।
अगर सेट ए, अगर ए जो है ए यूनियन बी है, ठीक है, तो ए यूनियन बी जो कि मानो दो सेट है, ए यूनियन बी है, तो इसका मतलब क्या होता है वो देख लीजिए बराबर में। इसका मतलब है कि अगर सेट ए और सेट बी का यूनियन निकाल रहे हैं तो जो भी, जैसे कि देख लो, तुम भी समझो, एक एक चीज मेरे साथ डिराइव करो तो मजा आएगा। 1 2 3 ये मान लो ए है, ये तुम्हारा बी। अगर ए यूनियन बी निकालोगे तो आएगा आपका 1 2 3 4 6 आएगा, ठीक है, क्लियर। 1 2 3 4 6, दो तो ऑलरेडी सम्मिलित है। अब इस जो ए, इसको कहेंगे ए यूनियन बी है ना, तो इसमें जो एलिमेंट है उसको एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। मान लो कि इसमें जो एलिमेंट है उसको हमने एक्स माना। जरा प्यार से देखना क्या बता रहा हूँ। जो अभी जो एक्स है वो कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका जो एक्स एलिमेंट है वो आपको ए से भी बिलोंग कर रहा है और आपको बी से भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये एलिमेंट आपको एक्स में भी मिल जाएंगे लेकिन बहुत सारे एलिमेंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि एक्स ऑल बिलोंग्स टू ए और एक्स ऑल बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब होता है या तो ए का हो सकता है या तो बी का हो सकता है। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो क्या होगा, इसी का इंटरसेक्शन निकालो तो दो मैच कर रहा है, ठीक है, बस इसमें से दो ही मैच कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ओनली 2 होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या एक्स जो है ए से बिलोंग कर रहा है, तो हाँ कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए, बट लेकिन एंड एक्स जो है नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है बी से, बी में भी है, ए और बी दोनों में कर रहा है, ठीक है, ऑल्सो आपको बी में भी वो चीजें मिल जाएगी। लेकिन आपको ध्यान दीजिएगा, जब भी वो अगर इंटरसेक्शन हम लोग निकालते हैं तो वो आपको वही चीज, यानी कि आपको जो दो है एक्स ए से भी, और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ इसके लिए और लिखा जाता है, यहाँ इसके लिए एंड लिखा जाता है। इस वीडियो में मैंने आपको इसे बताने वाला था कि इंटरसेक्शन यूनियन क्या होता है। इस तरह के जो भी थीम है आपको इसके ठीक बाद वाले वीडियो में सारी चीज मिल जाएंगे, बट वेन डायग्राम के बाद, वेन डायग्राम पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑपरेशन ऑफ सेट में हम इसके रूल्स पर चर्चा करेंगे कि होता क्या है, ठीक है। थैंक्स, थैंक्स अलॉट।